आपने देखा कि पिछले 5 साल भी और वर्तमान में भी ये राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए कार्रवाई हो रही है। सीबीआई, ईडी और अन्य विभाग, इनको इनने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखी है। जो कोई भी विपक्षी दल का व्यक्ति हो उसके खिलाफ आज रेड पड़ रही है। यहाँ तक कि इनने मीडिया को भी नहीं छोड़ा है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो और अन्य मीडिया के जो लोग हैं, उन सबों को इसके ऊपर रेड कर देते हैं। तो ये एक तरह से इस देश की जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है, जैसे पी चिदम्बरम जी ने लोकसभा के, विधानसभा के अंदर, आपके राज्यसभा के अंदर जो उनके खिलाफ बयान दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनने बयान दिया है, उससे वो नाराज होकर इनके ऊपर कार्रवाई करें। लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है देश में। सर, ये कश्मीर पे राहुल गांधी गवर्नर ने बुलाया कि आप आ जाएं, विमान में भेजूंगा, और अब ये गए हैं तो अब इनको वापस भेज दिया, तो इससे ये शो नहीं होता कि हालात बहुत खराब है? सरकार शुरू से ही कह रही है कि हालात बहुत अच्छे हैं। जो भी कोई विपक्षी पार्टी बोल रही है वो गलत है। और गवर्नर साहब ने खुद ने ट्वीट करके माननीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए और यहाँ के हालात देखिए, हवाई जहाज में हम वहां से भेज देंगे। और जब राहुल गांधी जी जाते हैं, जब उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है, तो ये तो सीधा सीधा बात है, दाल में कहीं दाल है। इसीलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। आज हजारों लोगों को अरेस्ट कर रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रखा है, मंत्रियों को अरेस्ट कर रखा है, उनके बारे में कोई खुलासा नहीं है कि कौन सी जेल में है, क्यों उनको अरेस्ट कर रखा है। तो ये एक बात छुपाना चाहते हैं, वहां की जनता की भावना। खास तौर से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम बात सिर्फ कर रहे हैं कश्मीर की, बात आप सोचिए जम्मू के अंदर क्या हो रहा है। जम्मू के अनेक लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ दिल्ली भी आए थे राजनीतिक लोग भी, उनसे भी बात हुई थी। जम्मू के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो आज ये सब जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं और लोगों को अरेस्ट करके, डरा के, धमका के, वहाँ की एक जो स्थिति है, वहाँ एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। जम्मू कश्मीर हो गई है कि जो गवर्नर्स हैं, आपने देखा है कि राजस्थान के भी गवर्नर साहब ने क्या बयान दिए थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब ने क्या बयान दिए थे, ऐसे ही बहुत सारे गवर्नर आजकल, ये जितने भी गवर्नर बन चुके हैं, ये जो एक संवैधानिक पद होता है इनका, इसको भूल चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप के अंदर काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान गवर्नर दे रहे हैं। कांग्रेस दुख की बात है, आगे क्या योजना है, किस तरह से इसको विपक्ष? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में और राज्यसभा में इस बात को बहुत मजबूती से उठाया है और उठाती रहेगी। जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है वो उनको दिलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए पूरे देश के अंदर भी हमने आंदोलन करा है और आगे भी हम जनता के बीच में खड़े होकर जनता की बात करते हैं।